पता है सारे वाले भी देखते हैं तो कि मालक ने अखा तो बनाने भी दी थी वो देखते हैं किस तरह देखते हैं बोलते हैं सारे काम करते फिरते हैं। हे मेरे मालिका हे परमेश्वर मैंने भी इन जूनियों को मुक्त करके एक बार ये मनुखा दे ताकि मैं भी संसार के अंदर चल फिर कर सकता बोल सकता क्योंकि यही एक ऐसा जन्म है जिसके अंदर तुम सुनने की शक्ति तुम्हें मिली हो बोलने की शक्ति तुम्हें मिली हो कर्म की शक्ति तुम्हें मिली हो। जो तुम कुछ कर सकते हो इसी जन्म के अंदर कर सकते हो। साढ़े मन के अंदर बड़ा बहुत उल्लेख होता है कई बार कि कोई नहीं हूं नहीं जगह के बाद दुनिया की गलत ना कई बार जान के असं करते हैं विचार करके समझ आ सकते क्योंकि असं कई बार चीजा देखते हैं फिर भी उसमें दुखल अंदाज कर सकते मैं बैठा सी वीर के नाम गल चल रही थी चार पांच बैठे से गुरु के पहले पैसा गुरु के वजीर भी बैठे से मैं तो सामू अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा मान है पता नहीं कहीं बार शीशे से देखते ना सुवारना जरूरी है शरीर में सुवारना बहुत जरूरी है क्योंकि पेड़े बन के थोड़ी संसार छो मांगना लेकिन सुवार का मतलब अहंकार की निशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा सोहना मैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया शायद ही मेरे वजह कोई मैं इन्होंने ना एक गल की कुछ समा पहला दस में जापान जाम का समा प्राप्त हो गया गोबे शहर पैदा हो गया उस आप छोटा दस शहर उसके अंदर टकरार फैमिली ने एक घर लेके छोटे जा बुजुर्ग घर बनाया क्योंकि हरेक किसी का सपना होता है कि मैं जिते भी रहा बुजुर्ग घर मेरे को ताकि मैं उठ के सबको पहला अपने गुरु के दर्शन सारे का सपना होता है और देशों विदेशों के अंदर जिते गुरु नानक का सिख पूजा है उसे गुरुद्वारा अपने आप उत्थे तो मेरे मित्र सन सची परिवार के मेरे ना उन्होंने बड़ा प्यार तो मेरे ना बैठते सी तो मैं उन्होंने कहता सी मैं भाई साहब तुम अपने आप को बड़ा फिट रखे तो कह लगे कहते भाई साहब मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ लगाता सवेरे उठ के 10 किलोमीटर दौड़ लगा इतने के जो डॉक्टर ने ना गल को ध्यान ना सुना क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना हो सू किसी ने नहीं पता कहना इतने के डॉक्टर ने कह दिया है कि तेरी उम्र बहुत लंबी है क्योंकि तेरा पूरा शरीर फिट है अंदरों बाहर बहुत खुशी की गल है भाई साहब क्योंकि शरीर फिट है तन मन दोवें फिट हो जाए तो चाहिए ही है हर एक बंद चाहिए अज असं ये गल कर रहे हैं तो दूसरे जो कुदरती हिंदी मैंने ठकरावान का फोन आता कि भाई साहब जी तुम तैयार हो जाओ अपने अरदास वास्ते चलते मैं कह कि ना कहते जो सेठी जी आते हैं ना वो अमृत वेले पूरे हो क्या जाना क्यों एक शब्द भी ध्यान न सुन रही है ना तो सारे जीवन के अंदर तब्दीली आ सकती है वैसे गुरबाणी एक जीवन जांच है और कुछ नहीं पढ़ के अपने जीवन के अंदर तब्दीली लियानी एक गुरबाणी का काम है। मैं कहा जी कि गल कर रहे हैं कहना जी सेठी जी जो थोड़े को बैठते हैं
मैं क्या कल के सड़क में बैठे संकेत मेरे डॉक्टर ने किया अभी तुम लिखत तो होते रहे सब से ये जी है ना खेल ये परमेश्वर ने अपने हाथ से रखी है सूरज की गल चल रही सी कि भी जन्मा मरना उसके हुक्म में चलता पर डॉक्टर ने तरक्की कर ली है कि साझे कर कोई बच्चा जन्म लेता है ना उसके बारे परिवार को पहला दस दस दिन कि भाई थोड़े घर इस महीने इस दिन ये बच्चे ने जन्म लेना है और कोई ऐसा डॉक्टर जो नहीं जमया जो है यह दस सकते कि फलाने दिन तो रमन जी उस पोजिशन में अपने हाथ चल रही कहने का भाव है कि गुरु शब्द सिखाता है कि क्या जाना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए महाराज कहते हैं जे अगर साहिब मनो ना विसरे जे अगर तू उस पोजिशन में साधना नहीं ना कि तेरा मरना सहसा हो जाएगा बहुत सोचे तरीके के नाम जेडे जग्यासू ने ना जड़े भगत हैं ना उन्होंने पहला पता लगता है कि असं जाना है इस तरह की कई आत्माओं के नाम शरीरों के नाम का बात हुई और इन्ने सौखे तरीके के नाल जाते हैं पता नहीं लगता है बैठे बैठे निकल जाते क्यों क्योंकि उन्होंने परमिशन दी है तो सहला मरना आप अज अमृत वेले भी समझा चार साहबजादे और माता गुजर के जिन्होंने याद संसार के अंदर पूरे संसार के अंदर बहुत ही श्रद्धा कर रहे हैं अपने अपने तरीके के नाम बनाने की मदद कर रहे हैं और एक सिख कौम ने दूसरे भी धर्म के लोग जाके गुरु घर के अंदर मथा टेक रहे हैं सेवा कर रहे हैं और उपदेश में ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि एक सच्चाई जो है एक सच्ची घटना है वो काल्पनिक गलत नहीं चलता एक होंगी ना जब मन गलत कहानियां करके सामने पब्लिक के देश कर एक सच्चाई है अटल सच्चाई है होया है और जेडे जेडे इतिहास पढ़ते जा रहे हैं उस धर्म के नाल जुड़ते जा रहे हैं कह नहीं पा रहे हैं कोशिश करा करो कि गुरु घर आते हो जिथे तुसी बच्चों के सोहने भविख वास्ते चंगे स्कूलों से पाते हो हर मां माता पिता की कोशिश है कि मैं बच्चे को चंगे चंगे स्कूल च पावा उसे सिख जाएगा होर स्कूल जाएगा वो ही गुरु का जे अमृत वे के समान आ लगे तो समझे असम बच्चों को लेके आया करो उन्हें सिखाओ कि गुरु घर के अंदर सेवा किस तरह से गुरु घर के अंदर बैठे किस तरह से गुरबाणी में शरण किस तरह अज ये बीज असं अपने बच्चों के अंदर पावे ना जब बच्चे वे हो ना वो साझा ही नाम रोशन करता लोग कहने कि फलाने का पोत्र है ये फलाने का बच्चा है इस तरह कहे तो हमें प्राउड महसूस होगा माण महसूस होगा कि हाँ मेरा बच्चा मैं पता लगे इतने कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बाणी कंठ की है नेता प्रति पढ़ते भी हैं गुरु अगे अभ्यास है सच्चे पातशाह उन्होंने बच्चों के अगर होर रहे उन्होंने नाल जो बच्चे आते हैं वह बच्चे गुरु घर के नाल जुड़ सिखी धारण कर सच कौन का नाम रोशन सो अज के दिहाड़े आप सभी शिव जी गुरु बनाया है गुरु कृपा कर सारिया दिहासा प्रमाण करके लेके चला कल दिहाड़े दशमेश विशाल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश के आप आप चाहते हो कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जीवन दे
कैसे कैसे सूरज ने सिर्फ योद्धे जिन्होंने अपने आप में गुरु जी के बाल देखे, फिर भी ये क्या कि सच्चे पातशाह से कोई देना नहीं दे सकते। आप की करते हैं साढ़े को इतना भी समझ नहीं कि गुरु को लाके बैठी गुरु की गाथा में सुन गुरु का जिस मैं पहला अंदाज बैठ के की सी कि सिख कामयाब होने वास्ते उन्होंने मना नहीं किया कि दुनिया की वही तो वही पोस्ट पर जाकर बैठ। आ देखो हिंदुस्तान की गल छोड़ दो, विदेशों से सिख पार्लियामेंट में जाकर बैठे और अमृता ही अमृत छके अपने बच्चों से दस्तारा सजाइया होंगे और जब पार्लियामेंट बैठते हैं तो गोरे भी हैरान हो जाते हैं कि यह भी हो गया लोगों को दसिया होना नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा पार्लियामेंट एक बच्ची सी पंजाबी उन्हें धन गुरग्रंथ साहब महाराज के प्रकाश उत्ते शब्द लाया बोलिया बोलिया भी तुम अपना सिर रखो प्यार में जुटे होना पानी मिनट वास्ते बैठ जाओ। मैं अपने इष्टदार शब्द जान लगी हाँ और सारे बोलिया ने सरिता किया यह साढ़े वास्ते बहुत मान की गल है। गुरु के प्यारो कोशिश करो जिन्ना वो तो वी सिखी का प्रचार कर उन्हें गुरु की कृपा के माता कर चाहना हो सो कल के प्यारे को हिम्मत मेरे किसी का समय हासिल करके रात में उस घर ले जाना चाहूँगी क्योंकि परसों इस प्यारे उत्ते कन्या कीर्तन है रात कीर्तन दरबार है इस तरह ये सारा सिस्टम चलना पे है। फिर न्यूयॉर्क से असी लखनऊ पूछना है फिर दिल्ली पूछना है इस तरह प्रोग्राम सारे सैट होते हैं जिते जिते संस्था के हुक्म हो रहे हैं तो जिनी अवस्था है कोशिश कर रहे जुड़े हाँ सुभाव सारी गल मिले कि हम कीर्तन की समाप्ति करिए आनंद साहब का पाठ बड़े प्यार संस्था जिन्ना दिया
सत्य गौ गोवा